आप लोग, मैं श्रुति शर्मा, कुक विद श्रुति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्वीट डिश बनाना बता रही हूँ। इसका नाम है 3-in-1 मैजिक। तो आइए हम जानते हैं इसकी सामग्री। ये देखिए, ये मैंने सेवई ली थी, इसे मैंने पानी उबाल के उसमें डाल दिया था। जब ये अच्छे से उबल गई तो मैंने इसे छान लिया था। ये केसर सिरप है और ये मलाई है। आप इसकी जगह क्रीम या रबड़ी भी लगा सकती हैं। ये थोड़ा पिस्ता, जिसे मैंने महीन महीन काट लिया है। ये मिक्स ड्राई फ्रूट है। इसमें मैंने बादाम और ये पिस्ता और काजू महीन महीन काटा है। आप अपनी इच्छा के अनुसार मेवा डाल सकती हैं। ये मिक्स फ्रूट जैम है। ये मैंने चीनी पाउडर लिया है। ये पीसी इलायची है छोटी, और ये गुलाब की पत्तियाँ जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये मैंने फिरनी बना ली थी, मैंने बना के रख ली थी 3-4 घंटा फ्रिज में, तो ये एकदम ठंडी हो गई क्योंकि हमें इसे ठंडाई लगाना है। और ये मैंने एक ब्रेड ली थी, जिसे मैंने इसका छोटा छोटा पीस काट लिया है। आप चाहें तो 3-in-1 मैजिक आप मिल्क केक से भी बना सकती हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। ये जो मैंने सेवई उबाली थी, इसमें मैं ये डाल देती हूँ केसर सिरप। आप चाहें तो आप रोज़ सिरप भी डाल सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार है। जो आपको फ्लेवर पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। आप इसकी जगह फालूदा में भी बना सकती हैं। ये मैंने डाल दिया है। ये झटपट, ये स्वीट डिश झटपट तैयार हो जाती है। अचानक कोई मेहमान आ जाते हैं तो समझ में नहीं आता है क्या बनाएं, और ये सब चीज़ लगभग हमारे घर में मिल जाती है, तो इसे आप झटपट बना सकते हैं। इसमें मैंने ये जो मेवा काटा था डाल देती हूँ, मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। और ये ठंडी ही अच्छी लगती है, आप इसे बना के भी आधी एक घंटा फ्रिज में रख सकती हैं। अब जब कोई मेहमान अचानक आया उसे सर्व कर सकती हैं। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिला लिया। आइए फिर हम बनाते हैं 3-in-1 मैजिक। मलाई है, इसमें मैं आधा छोटी चम्मच के लगभग केवड़ा जल डाल दूंगी, और मैं इसे भी अच्छे से मिला लेती हूँ। इसमें मुझे मैं चीनी नहीं डाली है। जिसमें आपको इसमें सर्व करना है, ये देखिए, वो आप प्लेट ले लीजिए, मैंने प्लेट ले ली है। अब ये बना के रखी रहिए, आप झटपट भी तुरंत बना सकती हैं। कोई गेस्ट अगर आता है, कोई मेहमान आता है, तो ये सब चीज़ बनी रहेगी, तो झटपट आप उसे बना के सर्व कर सकती हैं, और आप बना के भी रख सकती हैं। इसे मैं फैला लूँगी। आप इस सेवई में केसर सिरप जो भी आपका मन करे रोज़ सिरप डाल के फ्रिज में सब रख दी, क्योंकि ये ठंडी डिश अच्छी लगती है। ये देखिए, मैंने ये डाल दिया। ये मैंने ब्रेड जो काटी थी, ये जो मैंने पीसी चीनी ली थी, इसमें मैं थोड़ा सा इसे गीला करके इसमें ब्रेड पे मैं लगाऊंगी। ये शुगर सिरप मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मिला ली है। आप मिल्क केक में भी बनाएंगे डाने में, तो अब उसमें उस आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेड एकदम सादी होती है, एकदम इसमें कोई वो नहीं होता है मिठास, तो इसलिए मैं इस पर लगा रही हूँ। क्योंकि इस डिश का नाम 3-in-1 मैजिक है, तो मैं 3 लेयर बनाऊंगी। आप चाहें तो आप लेयर बढ़ा भी सकती हैं। ये देखिए, अब ब्रेड की साइज आप चाहें तो बड़ी भी रख सकती हैं, मैंने छोटी रखी है। अब मैं इसे किनारे कर देती हूँ। अब मैं इसके ऊपर जैम फैला लूंगी। ये देखिए, फिर मैं इसको यहाँ बीचों बीच रख देती हूँ। फिर दूसरी पे भी मैं शुगर सिरप लगा लेती हूँ। ये देखिए ऐसे, और मैं इस जैम के ऊपर जो मैंने मलाई, ये घर की मलाई, आप चाहें तो रबड़ी क्रीम कुछ भी लगा सकती हैं, अपनी इच्छा के अनुसार है। आप फ्रूट भी लगा सकती हैं जो आपको पसंद हो, मैंगो, बनाना, एप्पल, जो भी आपको पसंद हो। इसके ऊपर रख दिया मैंने। फिर मैं हल्के हाथ से शुगर सिरप लगा देती हूँ। फिर जैम, मैं फालूदा में
इलायची डालना भूल गई थी, इलायची पाउडर, तो मैं ऐसे ऊपर से किनारे से डाल देती हूँ, आप उसी में मिला लीजिएगा। अब मैं इसके ऊपर ये जो मैंने फिरनी बनाई थी, ठंडी ठंडी है, इस ब्रेड पे मैं हल्के हाथों से रख देती हूँ। इसके ऊपर हल्की सी चुटकी भर इलायची पाउडर डाल देती हूँ, और मैंने पिस्ता काट के रखा था मैं वो डाल देती हूँ। ये लीजिए, देखिए झटपट तैयार हो गई है हमारी 3-in-1 मैजिक डिश आपके लिए। तो आप भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।